नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए कितनी शानदार बात लिखी है यहाँ पे। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, समझ लीजिए कि आप निश्चित ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान क्या चाहता है कि वो एक प्रकार से उसकी जो जिंदगी है मजे में गुजरती रहे या शांति प्रिय गुजरती रहे, पर यह बात गलत है। जब तक कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप कैसे नई चीज सीख सकते हो? तो नई चीज सीखने से क्या भाई, अगर आप शांति प्रिय जीवन व्यतीत करोगे तो सिंपल सी बात है, आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। और अगर प्रयास नहीं कर रहे तो समस्या कैसे आएगी? तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी तो आप कुछ नया सीखने के लिए मतलब आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और इंसान क्या है, इंसान एक प्रकार का क्या है, शांति प्रिय जीवन चाहता है। मतलब उसकी जिंदगी जो है मजे में गुजरती रहे, यही वो चाहता है। मतलब उसको एक प्रकार से कंफर्ट एक जोन मिल जाए, उसी में वो पूरी लाइफ व्यतीत करना चाहता है। पर ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या सोचना है कि वाह यार, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई है, मतलब मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। तो ऐसा अगर सोचना आपने प्रारंभ कर दिए तो आप डेली नई चीज सीखते चले जाओगे और एक ना एक दिन आप मतलब ऐसे इंसान बन जाओगे, मतलब सफल इंसान माने जाओगे। तो समस्या आना बहुत अच्छी बात है। तो समस्याओं को पॉजिटिविटी के तौर पे लीजिए और उसको एक अच्छा मतलब हमको कुछ नया सिखाने आप लीजिए, तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। चलिए दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आज हमको मॉर्निंग कैप्सूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स, PIB न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथ प्रैक्टिस और पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आप हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी और एक फेसबुक के ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है 14 अप्रैल और आज मनाई जाती है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि बात करें इनके जन्म की, तो 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी इनके रामजी मालोजी सकपाल और माताजी है भीमाबाई मुरवातकर। और ये एक जो है बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्होंने क्या किया, बाबा मतलब जो इनको है बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। सारा जीवन जो है हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और समाज, जो भारतीय समाज है उसमें सर्वव्याप्त व्यवस्था है, उसके विरुद्ध ये संघर्ष में इन्होंने अपना जीवन बिता दिया। और बौद्ध महाशक्तियों के जो है दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ये अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा देश के अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को क्या बोला जाता है, आधुनिक युग का मनु कहकर इन्हें सम्मानित किया जाता है। 1926 में क्या होता हुआ है, बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किया गया और उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए। क्रमशः क्या हुआ, ऊपर चढ़ते हुए सन 1942 1946 के दौरान क्या हुआ, वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक भी पहुंच गए। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल है उसमें विधि मंत्री हुए। इसके अलावा यदि बात करें तो अंग्रेजी में उनकी जो रचनावली है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीसीज, ये इस नाम से जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। और हिंदी में उनकी जो रचनावली है बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाडम, ये इस नाम से भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई। इसी के अंतर्गत यदि बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 26 अलीपुर जो रोड है दिल्ली में, महापरिनिर्वाण स्थल है इनका अंबेडकर जी का, इसमें राष्ट्रीय स्मारक का इन्होंने उद्घाटन किया है। और यह जो स्मारक है भारत के संविधान निर्माता जो डॉक्टर अंबेडकर है इनके जीवन और उनके योगदान को समर्पित है। अगर बात करें तो 21 मार्च 2016 को जो उद्घाटन किया गया है स्मारक का, तो इसको इन्होंने आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2016 में। इसकी क्या क्या विशेषता है, जैसे कि यहाँ बात करें हम तो इस इमारत में एक प्रदर्शनी स्थल है। स्मारक की जो है बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्यान केंद्र तथा डॉक्टर अंबेडकर की 12 फुट की यहाँ कांसे स्थित है। प्रवेश द्वार की यदि बात करें तो अशोक स्तंभ मतलब 11 मीटर का और पीछे की तरफ क्या है ध्यान केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो संगीतमय फवारा है, छतरी है, बोधि वृक्ष है, तोरण द्वार है। और इसका इसके बाद यदि देखें तो AV संग्रहालय, यह स्थिर मीडिया, गतिशील मीडिया और श्रव्य दृश्य विषय वस्तु तथा मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए उनके जीवन को आधुनिक भारत मतलब जीवन और आधुनिक भारत को उनके योगदान की जानकारी में तल्लीन कर देने वाला जो संग्रहालय है उसे स्थापित किया गया है। बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इसके बारे में जो है अमेरिका शोध संस्थान द्वारा द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा
12 अप्रैल 2018 को वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। यह इंडेक्स जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के प्रदर्शन को दर्शाता है और इस बार का जो है 2018 का इसमें जो है इस सूचकांक में 130वां नंबर भारत ने हासिल किया है। पिछले वर्ष की यदि बात करें तो 143वां नंबर हासिल किया गया था, तो अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया, मतलब थोड़ी स्थान इसका बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा, 13 स्थान आगे बढ़कर ये 130वें नंबर पर पहुंच गया है। और जो 2018 है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 54.5 अंकों के साथ इस रैंकिंग पर आया है। इसके अलावा जो इसका पड़ोसी देश है, जैसे हमारे चाइना की बात करें तो पड़ोसी देश की 57.4 अंक है इसके, और जो पाकिस्तान है ये 131वें नंबर पर, मतलब हमसे एक अंक पीछे है, और चाइना कौन से नंबर पर, 110वें नंबर पर है। हेरिटेज फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो कुल स्कोर की बढ़ोतरी है किस कारण हुई है, व्यापारिक स्वतंत्रता, सरकार की ईमानदारी और वित्तीय माहौल में ये सुधार हुआ, इसकी वजह से ये रैंकिंग सुधरी है। कितनी, 13। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 43 देशों में से जो भारत का स्थान है वो 30वां नंबर का है, और पूरे विश्व में कितने नंबर पे है, 130वें नंबर पर। बात करते हैं मिशन बुनियाद की, तो मिशन बुनियाद किससे रिलेटेड है, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से जोड़ने के लिए। तो जो नन्हे बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा। तो 11 अप्रैल 2018 को इस मिशन की शुरुआत की गई है, किस क्या नाम से, मिशन बुनियाद। इस मिशन के माध्यम से दिल्ली सरकार ने 3 महीने के भीतर, मतलब जो अभी गर्मी की छुट्टी है उसमें 3 महीने के भीतर जो है तीसरी, मतलब कक्षा 3rd से कक्षा 9 तक सभी विद्यार्थियों को पढ़ने और लिखने और सामान्य गणित की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य, मतलब लक्ष्य को निर्धारित किया है। ये इसकी बात करें मिशन बुनियाद की, तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्या है, अभियान के लिए जो है, इस अभियान के लिए सरकार ने रेडियो और बैठकों के जरिए जो अभिभावक है उनसे अपील की है कि इस दौरान वो है दिल्ली में रहकर, क्या दिल्ली जो बच्चे हैं बच्चों को एक्टिविटी पर आधारित क्लासों में भेजें, ताकि क्या हो, 2 से 3 घंटे यहाँ ट्रेनिंग दी जाए और गणित के सवाल, मतलब पढ़ने और गणित के सवाल हल करने के लिए इन्हें कैपेबल बनाया जाए, मतलब सक्षम बनाया जाए। इसमें जो है दिल्ली सरकार के अलावा स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी शामिल हो पाएंगे। कक्षा 3, 5 और 8 के जो लर्निंग लेवल है काफ़ी कम मिलने के बाद, मतलब इसमें जो है निरीक्षण किया गया है, इन जो इनकी परफॉर्मेंस है बच्चों की वो काफ़ी लो लेवल की मिली, तो इसी के कारण इस मिशन जो है मिशन बुनियाद कार्यक्रम को स्टार्ट करना यहाँ तय किया गया। ये जो है जून तक चलाया जाएगा, और जो प्रत्येक बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, मतलब यहाँ बोली जा रही बात कि जो कमजोर बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया जाएगा और जो थोड़े अच्छे हैं उनका अलग ग्रुप, तो इस प्रकार यहाँ की जाएगी मनोरंजन के साथ में यहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनके जो शिक्षा है या फिर उनके पढ़ाई है उसको अपग्रेड किया जा सके। बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की, तो इसको स्टार्ट किया गया था 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा। यह जो है एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे क्या हो, देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी यहाँ उत्पन्न हो इसके द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा। और एक प्रकार की एक इकाई है जो क्या करती है, 5 साल से अधिक का समय, मतलब उसमें पंजीकृत नहीं है, मतलब जो मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन है वो 5 साल की है, और जिसका जो वार्षिक वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। और ये जो इकाई है जो प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों और सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रवस्तीकरण, प्रवस्तारण और व्यवसायीकरण की दिशा में भी काम करती है। इस पहल के माध्यम से सरकार नवाचार और डिजाइन विकसित करना चाहती है, ताकि क्या हो, स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा देखें तो जो देश में आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है, बड़े पैमाने पर रोजगार को सृजित करना, ताकि क्या हो, नवाचार और स्टार्टअप के एक मजबूत जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका निर्माण करने करने के लिए शुरू किया गया था। बात करते हैं नासा का एक मिशन है टीस, जिसे हम बात कर, मतलब इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें तो ट्रांजिस्टिंग एक्सप्लेनेट एक्सो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है। तो ये जो है 16 अप्रैल को नासा के द्वारा ये इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, सौरमंडल है, सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यानी एक्सो प्लेनेट की खोज की जाएगी यहाँ पे। तो अमेरिका स्पेस एजेंसी है जो नासा, इसके द्वारा ये अगला चरण है जो 16 अप्रैल को शुरू किया जाएगा, और ये मिशन जो है 2 सालों तक पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर जो सूर्य के करीबी सबसे चमकीले जो है 2 लाख तारे इनका सर्वेक्षण करेगा, और शोधकर्ताओं द्वारा इन ग्रहों पर जीवन की संभावना के विषय में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इन तारों का चक्कर लगा रहे जो ग्रह है इनकी खोज का कार्य किया जाएगा।
और जो है नासा के अनुसार यदि बात करें तो कम से कम 300 ग्रह के पृथ्वी के बराबर या पृथ्वी से बड़े जो सुपर अर्थ है उनकी होने की संभावना की गई है। और खोजे गए जो ग्रह है उनमें 15 ग्रहों में से 3 को सुपर अर्थ माना गया है, क्योंकि ये क्या है धरती मतलब जो हमारी पृथ्वी है उससे बड़े आकार के हैं। पर पृथ्वी से ये जो ग्रह है बहुत दूर है, मतलब 200 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जो एक लाल तारे मतलब K2155 की परिक्रमा कर रहे हैं। जो सुपर अर्थ है, 3 सुपर अर्थ की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उनमें पानी होने की संभावनाएं मौजूद मतलब पानी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर यह कंफर्म नहीं है। तो इसी के कारण क्या किया गया है नासा द्वारा जो इसमें जो है टीस मिशन मतलब टीस को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि क्या ब्रह्मांड में जो मौजूद है अन्य एक्सो प्लैनेट उनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। बात करते हैं 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो ये 13 अप्रैल को घोषित किए गए हैं, इनकी घोषणा कर दी गई है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। तो इस साल का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसमें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे मिला है, जो दिवंगत है श्रीदेवी एक्टर्स उनको मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भी जो है हमारे विनोद खन्ना जी ये भी दिवंगत हो गए, मतलब इनका भी निधन हो चुका है, तो इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। और श्रीदेवी को जो मिला है उनकी 300वीं फिल्म है मॉम, उसके लिए इन्हें मिला है। और इस साल का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर मिला है किसे, असमिया की फिल्म है विलेज रॉक स्टार, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। और जो बाहुबली बाहुबली 2 उसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड चुना मतलब अवार्ड के लिए चुना गया है, जो तेलुगु फिल्म है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। 3 खंडों में इन्हें दिया जाता है, कौन कौन से, एक फीचर फिल्म है, गैर फीचर फिल्म, और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए इन्हें प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, और यह किसको दिया जाता है, सिनेमा में जीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो प्रारंभ है दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष यानी कि 1969 से हुआ है, और यह पुरस्कार उस वर्ष के अंत में मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ इसे प्रदान किया जाता है। क्या क्या चीजें दी जाती है, 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। जैसे कि यहाँ विजेताओं की सूची देख सकते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने बात की है विलेज रॉक स्टार जो असम की है असमी है, और सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म बाहुबली 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हमने देखे श्रीदेवी मॉम के लिए मिला इन्हें, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म न्यूटन, उसके बाद देखें सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, और दादा साहब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना को मिला है। आज के इम्पोर्टेंट पर्सन की बात करें तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, ज्योति ज्योति राव गोविंद राव फुले। तो इनके जन्म की बात करें तो 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई है 18 नवंबर 1890 ईस्वी को महाराष्ट्र के अंतर्गत। और ये जो थे समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे, और वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित जो विभाजन है और भेदभाव उसके विरुद्ध थे। अब इनका जो परिवार था क्या करता था, मतलब पुणे के अंतर्गत फूलों के जो गजरे है उनको बनाने का काम करता था, और ये इसलिए क्या होता है माली का काम करने लगे, मतलब ज्योति ज्योतिबा फुले जो है ये माली का काम करने लगे, तो उनको सभी लोग क्या बोलने लगे, फुले के नाम से जाने जाते थे। और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतधार मतलब जो अछूत लोग होते हैं अनटचेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं उसके उद्धार के लिए, और महिलाओं शिक्षा का काम आरंभ करने वाले जो है महान भारतीय विचारक समाजसेवी लेखक दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में ये प्रसिद्ध है। सन में क्या हुआ, महात्मा फुले जो है उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और इसी साल उनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी उसका भी प्रकाशन किया गया। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 में क्या हुआ, मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, तो इसलिए उसने उन्होंने उनको क्या कहा जाता है, महात्मा फुले भी कहा जाता है। तो ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार कराया, और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता इन्होंने दिलाई। और ये जो थे बाल विवाह विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे, ये लोकमान्य के प्रशंसकों में से एक थे। इसके अलावा देखें तो ये जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की कन्याओं के लिए अनेक विद्यालय खोले, और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला, और महिला शिक्षा के संदर्भ में यह देश का पहला विद्यालय था। बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो आज हम देखने वाले हैं क्लिपबोर्ड व्यूअर। तो मान लीजिए इसको हम कैसे समझते हैं,
हम किसी सामान को खरीदने के लिए गए मार्केट और हमारे घर तक हम उसको सामान को लाना चाहते हैं, तो बीच में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको बीच में एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं कोई वाहन हम बोल सकते हैं, या फिर कोई गाड़ी बोल सकते हैं, या ऑटो। तो ऑटो में रखकर हम उस सामान को घर तक लेके आएंगे। तो जो ऑटो है, मतलब ये एक हो गया हमारा लाने, मतलब जिस जगह से जहां से हम ला रहे हैं, मतलब सोर्स हो गया, और जहां लाकर छोड़ना है वो हमारा घर, मतलब डेस्टिनेशन हो। तो बीज वाला जो है वो माध्यम कहलाएगा। तो इसी जगह से हम ले रखकर लेके आएंगे, तो यहाँ से उठाकर हम यहाँ रखते हैं और फिर यहाँ लाते हैं। तो ये माध्यम जो कहलाएगा क्लिपबोर्ड कहलाएगा। तो क्लिपबोर्ड जो है एक माध्यम के रूप में काम करता है। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है, और वर्ड के साथ, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ, ये एमएस ऑफिस के साथ इनबिल्ट होता है, या कंप्यूटर में भी अवेलेबल होता है। तो इसके अंतर्गत जो है एक प्रकार का अस्थायी रूप से, मतलब जहाँ कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम रख सकते हैं, और पेस्ट करने तक, मतलब पेस्ट वहाँ वहाँ कब तक, जैसे अस्थायी तौर पर यहाँ तो रख दिए हैं, पर पेस्ट कब तक होगा? जब तक कि यहाँ रखा हुआ है, किसमें? क्लिपबोर्ड व्यूअर में। अगर क्लिपबोर्ड व्यूअर से हटा दिया जाए तो पेस्ट भी नहीं होगा। तो जो भी टेक्स्ट है, जो पिक्चर है, वो हम कॉपी करके रखते हैं, उसे हम क्लिपबोर्ड में अस्थायी तौर पर, मतलब एक प्रकार से बफर मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी हम बोल सकते हैं, तो वहाँ रख सकते हैं और उसके द्वारा हम पेस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, वो मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि कॉपी करने की यदि शॉर्टकट देखें तो कंट्रोल सी के द्वारा क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है, कंट्रोल एक्स के द्वारा कट किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल वी के द्वारा, इन दोनों कमांड के द्वारा जो काम किया जाता है उसे बाद में, मतलब पेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट में वापस लाने के लिए, क्लिपबोर्ड से वापस लाने के लिए पेस्ट, मतलब कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल इंसर्ट से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट से क्या होता है, पेस्ट होता है। मतलब ये एक प्रकार की सेपरेट की होती है, और ये भी सेपरेट कॉम्बिनेशन के द्वारा ये चलती है। मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत देखते हैं आज की कंट्री। तो आज हम देखने वाले हैं सीरिया। तो जैसे कि बात करें हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम चलें समुद्र से होते हुए, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं, और इधर से थल मार्ग से भी हम जा सकते हैं। देखते हैं मैप को बड़ा करके, तो सीरिया जो है कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? एक टर्की हो गया, मतलब तुर्की, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इसराइल हो गया, और लेबनान हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर है, तो इन सभी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बारे में देखें तो दमिश्क किसकी राजधानी है? अरबी भाषा यहाँ की राजभाषा है। बशर अल असाद यहाँ के राष्ट्रपति है। मोहम्मद नाजी अल तारी यहाँ के प्रधानमंत्री है। सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है, और ये दक्षिण पश्चिम एशिया का मुख्य राष्ट्र है। मतलब ऊपर की तरफ उत्तरी एशिया है, और नीचे हमारा दक्षिण एशिया है, मतलब इंडिया हमारा जहाँ अवेलेबल है, और ये जो है पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में जो है, मतलब हमने देख ली है सारी चीज़ें, मतलब कौन कौन से कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया का जो संविधान है 1973 में अपनाया गया था, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव 7 सालों के लिए होता है, जिसके जनमत का संग्रह, मतलब जनमत का संग्रह का जो प्रयोग किया जाता है। और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है एक मुसलमान ही हो सकता है, पर इस्लाम धर्म यहाँ का राजधर्म नहीं है। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पिछले डे के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की सृष्टि योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है, सौर ऊर्जा संबंधी। तो इसके बारे में देखते हैं हम, तो सरकार द्वारा 2022 तक देश में 100 गीगावाइट की सौर ऊर्जा स्थापित करने की जो क्षमता है उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें क्या है 40 गीगावाइट सोलर रूफटॉप से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। देश में रूफटॉप और सौर ऊर्जा की तैनाती को नई गति देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उस इसके द्वारा भारत में सौर रूपांतरण के लिए सतत रूफटॉप, मतलब यानी कि सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन सोलर ट्रांसफिगुरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है सृष्टि का। पर एक अवधारणा, इसके अंतर्गत एक अवधारणा पत्र जारी किया गया है, और यह जो दस्तावेज है, मतलब डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सोलर रूफटॉप योजना के दूसरे चरण की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डिस्कॉम्स को एकीकृत करने के लिए एक संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जैसे सी वॉक्स की बात करें, तो सी वॉक्स जो है ऑनलाइन पोर्टल है, और जो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गलत है। गृह मंत्रालय नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो ये जो पहला हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, यह पोर्टल जो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, तो ये 2005 के द्वारा नहीं, ये 2013 में ये अधिनियम पारित हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो यहाँ तो हो गए दोनों हमारे गलत, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर का। तो इसके बारे में देखते हैं, तो ये जो है महिलाओं, जो मतलब कार्यस्थल पर जहाँ भी वर्किंग, मतलब जो महिलाएं वर्क करती है वहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सरकारी और निजी क्षेत्र सहित देश की सभी महिला कर्मचारियों की
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे हम सी बॉक्स बोलते हैं, एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर का। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास, कौन सा सैनिक मतलब जो है सैन्य अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास नहीं है। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर डी नंबर का है, इंद्रधनुष। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इंद्रधनुष अभ्यास जो है एक नौसैनिक अभ्यास नहीं है, भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम के एक शाही वायुसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला अभ्यास, चरण का आयोजन 2010 में किया गया था। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। फिर इसके बाद देखते हैं, हाल ही में जो है राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी यात्रा मतलब 3 देशों की जो यात्रा हुई थी, उसमें अफ्रीका जो देश है इक्वेटोरियल गिनी, उसके जो है किस महासागर के तट पर स्थित है। तो इन सभी में से आपको राइट आंसर देखना है। फिर देखना है, भारत की मदद से किस देश में अरुणा अरुणा थर्ड जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूले, शेयर कर दिया करो ताकि सबका फायदा होते चले। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।